मार्केट में अभी आप भी जब बाहर जाते होंगे ये वाले सिंघाड़े देखे होंगे आपने, तो ये जो सिंघाड़े हैं प्रेगनेंसी में खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, खाएं तो किन कंडीशन में खाएं, आपको शायद नहीं पता होगा कि प्रेगनेंसी की बहुत सारी कठिनाइयों को ये ठीक कर सकता है। कैसे ठीक कर सकता है समझते हैं, और हाँ कई बार इसके नुकसान भी आप झेल लेते हैं, तो हम इसको समझ के खाएंगे क्योंकि अब आप प्रेग्नेंट हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, आपका बीमार होना यानी शिशु के स्वास्थ्य में कॉम्प्रोमाइज होना। हेलो एंड वेलकम अगेन टू यूट्यूब मॉम चैनल, आशा करती हूँ आप सभी प्रेग्नेंट मॉम हैप्पी हैं, खुश हैं, डाइट अच्छे से ले रही हैं और जुड़ी हुई हैं हमारे साथ, डेली आप जानकारियाँ ले रही हैं ताकि आप अपनी प्रेगनेंसी को बेहतर बना सकें। सो फ्रेंड्स, पानी वाला जो सिंघाड़ा होता है वो आपके आसपास भी बाजार में आ चुका होगा, सर्दियाँ शुरू होती हैं गुलाबी सी तभी से ये मार्केट में मिलना चालू हो जाता है, लेकिन इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है कि इसे कैसे खाएं कैसे ना खाएं। तो डाइट के एस्पेक्ट्स एंड आयुर्वेदा के एस्पेक्ट्स दोनों ही चीजें मैं आपको बताऊंगी जिससे आप समझ सकें कि आपको इसे कैसे खाना है। तो सिंघाड़ा जो होता है वो कफ को बढ़ाता है, शीतल होता है, और कई बार ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी में आपको ब्लीडिंग हो रही है तो ये ब्लीडिंग को रोकने के लिए बहुत प्रभावी होता है, ऐसा गुण इसका आयुर्वेद में बताया गया है। तो अगर आपको हल्की स्पॉटिंग हो रही है फिर बॉडी हीट बहुत है देन आप सिंघाड़ा ज़रूर खाएं। सिंघाड़े में विटामिन B9 होता है जो कि सेल के डेवलपमेंट के लिए, बच्चे के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट यानी कि शरीर को ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व और माइक्रोन्यूट्रिएंट जो शरीर की प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी वगैरह बूस्ट करते हैं, विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं उसमें, सब कुछ होता है इसके अंदर, फाइबर भी बहुत अच्छी मात्रा में होता है। तो सिंघाड़े प्रेगनेंसी में आप बिल्कुल खा सकते हो, लेकिन जो इसकी प्रकृति है कि ये कफ बढ़ाता है, तो यदि किसी व्यक्ति का शरीर ऐसा है कि उनको कफ जल्दी बनता है या फिर आपको खांसी हो रखी है, आपको काफ़ी कफ बन रहा है, ऐसे कंडीशन में सिंघाड़ा या तो आप दिन के समय खाइए या फिर आप उसको उबाल के खाइए। सिंघाड़े को कच्चा भी खाया जाता है और उसको उबाल कर भी खाया जाता है, तो आप इसे उबाल कर खा सकती हैं। कभी भी प्रेगनेंसी में सिंघाड़े को रात के समय ना खाएं क्योंकि वाटर कंटेनिंग फ्रूट है, कूल है, अगर नहीं भी कफ या जुकाम तो हो सकता है कि आपको कफ बन जाए और आप इरिटेट होने लग जाएं और आप परेशानी में पड़ जाएं, तो रात को अवॉइड करें इसको खाना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इवन बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि प्रेगनेंसी में आजकल हाइपरटेंशन बहुत देखा जा रहा है, वर्किंग होती है मोस्ट ऑफ मॉम्स, आप में से भी बहुत मॉम्स वर्किंग होंगी, तो ऐसे में क्या होता है कि हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम बढ़ गई है, वर्किंग वुमन में ज़्यादा देखा जाता है। तो प्रेग्नेंट हैं अगर आप और आपका BP अपवर्ड रहता है, बढ़ा हुआ रहता है, तो ऐसे में सिंघाड़ा आपकी BP को कंट्रोल करने में बहुत हेल्पफुल होता है एंड ब्लीडिंग इश्यूज को तो ये बहुत अच्छे से ठीक करता है। कई डायबिटिक प्रेग्नेंट मॉम्स भी हैं, वो समझ नहीं पाते कि मैं कौन सा फ्रूट खाऊं, तो ऐसे में सिंघाड़ा उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है, डायबिटिक पेशेंट सिंघाड़े को यूज कर सकते हैं। ये बॉडी की हीट को भी रिड्यूस करता है, सपोज आपको बहुत चिड़चिड़ापन, एंजाइटी या गर्मी से महसूस होती है, खून में पित्त बढ़ा हुआ है, लिवर इश्यूज हैं, आप सिंघाड़ा ज़रूर खाइए, उससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। सिंघाड़ा प्रेगनेंसी में बेनिफिशियल तो बहुत है, इसमें विटामिन B9 भी है, लेकिन कफ का थोड़ा सा अगर आप ध्यान रख के खाएंगी, रात को अवॉइड करेंगी, तो आप सिंघाड़ा खा के काफ़ी इंजॉय कर सकती हैं, आपके लिए फायदेमंद ही होगा और ये बच्चे के डेवलपमेंट के लिए भी अच्छा पोषण आपको देता है। तो सिंघाड़े का अच्छा उपयोग करें, सही तरीके से उपयोग करें। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।